राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के विद्यालय पूर्व एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के शिक्षण हेतु कार्यक्रम गत्यात्मक विकास और उसके क्रियाकलाप। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाई। नमस्ते। क्या बात है, आज आप लोग बड़ी सुस्त लग रही हैं। ऐसे ही दीदी। तो फिर चलो थोड़ा सा खेल खेल लेते हैं, चुस्ती भी आ जाएगी और मजा भी। मंजूर? मंजूर है। अच्छा तो भाई खेल का नाम है म्यूजिकल चेयर। म्यूजिकल चेयर। अच्छा ये बताओ हम सब कितने हैं? 20 दीदी। ठीक है, हमारे पास 20 कुर्सियां हैं। जितनी देर संगीत बजेगा आप लोग इसके चारों ओर गोल दायरे में दौड़ेंगे। ठीक है। और दीदी जैसे ही संगीत रुकेगा तो हम क्या करेंगे? तब आप लोगों को इन कुर्सियों पर बैठना होगा। अच्छा। पर दीदी कुर्सियां तो कम हैं और हम लोग ज्यादा। हाँ, हाँ। इसीलिए जो लोग कुर्सी पर बैठ नहीं पाएंगे वो खेल से बाहर हो जाएंगे। हर बार कुर्सियां कम कर दी जाएंगी। ठीक है जी दीदी। तो खेल शुरू करें। हाँ। चलो सब कुर्सियों के चारों ओर गोल दायरे में खड़े होते हैं। ठीक है। आओ खड़े हो जाओ। ऐसे इधर खड़े हो जाओ ना, तुम इधर तुम। मैं ठीक। अरे मैं जल्दी दौड़ो, जल्दी करो, जल्दी करो, मैं बैठ के खेल रही हूं। तुम दौड़ती नहीं हो। बैठ ही नहीं पाई भाई। आप सब जो लोग बैठ नहीं पाए ना खेल से बाहर हो गए। तो ऐसा करते हैं अब सात कुर्सियां कम कर देते हैं। हाँ दीदी। ठीक है। चलो भाई दौड़ो दौड़ो, जल्दी करो जल्दी करो। अरे जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी बैठने दो मुझे। अच्छा अभी बताओ कौन कौन आउट हुआ है? अरे कौन कौन खेल से बाहर हुआ? दीदी आप भी खेल से बाहर हो गई। हाँ भाई हम लोगों को मधु का साथ भी तो देना है ना। क्यों मधु? जी दीदी। अब हम दीदी ऐसा करते हैं, पांच कुर्सियां कम कर देते हैं। हाँ ठीक है। पहली बार 30 लोगों से 20 लोग रह गए है, और दूसरी बार 20 से 13 रह गए। ठीक दीदी, अब देखते हैं 13 में से कितने रहते हैं। वाह, अब तो 8 लोगों को ही कुर्सी मिली है। चलो जल्दी से और 5 कुर्सियां निकालो। हाँ, चलो ठीक है दीदी। चलो 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 चलो। दीदी अब तो 3 लोग ही रह गए हैं, क्यों ना 2 कुर्सियां कम कर दें? अब तो 1 ही कुर्सी रह गई और उम्मीदवार 2। असली मजा तो अब आएगा। चलो भाई दौड़ो दौड़ो दौड़ो, जल्दी जल्दी जल्दी, चलो जल्दी चलो भाई, तुम लोग जल्दी करो, जल्दी देखते कौन बैठता है। जुबैदा खेल से बाहर। वाह प्रिया तुम तो जीत गई। प्रिया जीतने की बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद दीदी, लेकिन मैं तो दौड़ दौड़ कर थक गई। हाँ भाई आओ सब लोग बैठते हैं। हाँ, हाँ, दीदी चलिए आओ बैठो बैठो। जुबैदा क्या बात है, तुम किस बात पर मुस्कुरा रही हो? क्यों कोई शरारत करने का इरादा है क्या? अरे नहीं दीदी, मुझे तो अपनी आंगनबाड़ी के बच्चे याद आ गए, इसी वजह से मुस्कुरा रही थी मैं। अच्छा भाई आप लोगों के चेहरों से तो पता चल रहा है कि आपको बहुत मजा आया। परंतु ये बताओ इस खेल से क्या फायदा हुआ, बता सकते हो? दीदी सुस्ती दूर हो गई। दीदी मैं बताऊं, हमारा व्यायाम हो गया। बिल्कुल। इस खेल से मैंने आज का कार्यक्रम इसीलिए शुरू किया क्योंकि आज का हमारा विषय है गत्यात्मक विकास और उसके क्रियाकलाप। अच्छा अच्छा अब बताओ इस खेल से किन मांसपेशियों का व्यायाम हुआ? दीदी हमारी टांगों और पैरों का। हाँ यानी कि हमारी बड़ी मांसपेशियों का। जब हम बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं
तो बड़ी और छोटी मांसपेशियों का विकास भी उसमें शामिल है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रम में हमें बहुत सी ऐसी क्रियाएं बच्चों के साथ करानी आवश्यक हैं जो कि इन मांसपेशियों के विकास और नियंत्रण को बढ़ावा दे सकें। दीदी, ये बड़ी और छोटी मांसपेशियों का क्या मतलब है? मेरा बेटा खूब खेलता कूदता है, साइकिल भी चला लेता है, पर लिखते समय पेंसिल ठीक से नहीं पकड़ पाता। वो 4 वर्ष का है दीदी, क्या इसका बड़ी या छोटी मांसपेशियों से कोई संबंध है? बिल्कुल है। देखो, कूदना एक बड़ी मांसपेशियों का कौशल है और लिखना छोटी मांसपेशियों का कौशल है। छोटी मांसपेशियों के कौशल में आंख, हाथ और उंगली की सूक्ष्म मांसपेशियां शामिल हैं। जी। बड़ी मांसपेशियों के कौशल में बड़ी मांसपेशियों का संतुलन और नियंत्रण शामिल है। पहले बड़ी मांसपेशियों का और बाद में छोटी मांसपेशियों के संतुलन का विकास होता है। मगर दीदी, इसी उम्र में ही इन मांसपेशियों का विकास क्यों जरूरी है? बहुत अच्छा प्रश्न किया। इस आयु में यदि बच्चों को सही वातावरण मिले तो उनकी मांसपेशियों का विकास तेज गति से होता है। मांसपेशियों के विकास से बच्चे कुछ क्रियाएं करने में समर्थ हो जाते हैं। अच्छा। जैसे छोटी मांसपेशियों के संतुलन से बच्चा अपने आप खा सकता है, लिख सकता है और ड्राइंग और पेंटिंग भी कर सकता है। अच्छा। दीदी, बड़ी मांसपेशियों के विकास से क्या होता है? भाई, बड़ी मांसपेशियों के विकास से बच्चा अपने शरीर का अच्छी प्रकार से प्रयोग कर सकता है। अच्छा। जैसे चढ़ना, कूदना आदि क्रियाएं कर सकता है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगी कि ये जितने कौशल हैं, इस अवस्था में मांसपेशियों के विकास के कारण प्रकट हो जाते हैं। इनमें अभ्यास और उम्र के साथ बच्चा निपुणता लाता है। अच्छा, तो जरा बताओ, हमने जो पहले खेल खेला था वो कौन सी मांसपेशियों के कौशल के अंतर्गत आता है? दीदी, वो खेल तो बड़ी मांसपेशियों की क्रिया है। शाबाश। तो भाई, आप लोगों की समझ में आ गया कि बड़ी मांसपेशियों और छोटी मांसपेशियों से संबंधित कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। जी। अब हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि इनका विकास किस प्रकार होता है। अच्छा। इसके कुछ सिद्धांत भी होते हैं। आपने अपने या आस पड़ोस में छोटे बच्चों को बढ़ते देखा होगा? हाँ दीदी। अपने ही बच्चों को भी तो देखा है दीदी। क्या सब बच्चे बिल्कुल एक ही गति से बढ़ते हैं? आप शुरू से सोचिए, बच्चा जब जन्म लेता है तब कैसा होता है? अपने हाथ पांव शरीर की हरकतों पर उसका कोई नियंत्रण बिल्कुल नहीं होता, है ना? हाँ दीदी। फिर धीरे धीरे बच्चा गर्दन उठाता है, करवट लेता है, घुटने टेकता है और फिर चलने लगता है। वाह प्रिया, शाबाश, बिल्कुल क्रम से बताया आपने। क्या हर बच्चे का गत्यात्मक विकास इसी क्रम से होता है, या आप सोचते हैं कि कई बच्चे पहले बैठते हैं और कुछ पहले चलते हैं? अरे नहीं नहीं दीदी, सब बच्चे इसी क्रम से गुजरते हैं। पर मेरी बेटी ने तो घुटने टेके बिना ही चलना शुरू कर दिया था, जबकि मेरे भतीजे ने पहले घुटने के बल चलना शुरू किया था। भाई, तुम दोनों ही सही कह रही हो, अधिकतर बच्चे इसी क्रम से गुजरते हैं। कुछ बच्चे बाकी क्रम तो सही प्रदर्शित करते हैं, पर घुटने टेकने के क्रम को छोड़ सीधे खड़े होकर कुछ समय में चलने लग जाते हैं। अच्छा। कुछ घुटने न टेक कर बैठ बैठ कर खिसकते भी हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत हमें जो याद रखना है वो क्या है? यही कि सब बच्चों का गत्यात्मक विकास क्रम के अनुसार होता है। बिल्कुल सही। और दूसरा सिद्धांत ये है कि क्रम चाहे एक ही हो, गति हर बच्चे की अपनी अलग हो सकती है। हाँ। एक परिवार के ही दो बच्चे ले लो, एक 6 महीने में बैठा, दूसरा 8 महीने में बैठ सकता है। हाँ दीदी, ये सही है। मेरे अपने दोनों बच्चे अलग अलग आयु में बैठे और चले, लेकिन ये अंतर क्यों होता है? इसका कारण है परिपक्वता और शिक्षण। परिपक्वता यानी बच्चे का शारीरिक रूप से तैयार होना, और शिक्षण अर्थात बच्चे को सीखने का अवसर प्राप्त होना। किसी भी कौशल को सीखने के लिए ये दोनों ही अत्यंत जरूरी हैं। जी। परंतु दीदी, अगर बच्चा शारीरिक रूप से तैयार है तो? तब भी उसे अनुकूल सीखने वाला वातावरण या अवसर अगर नहीं मिलेगा तो भी वह किसी प्रकार के कौशल को सीख नहीं सकेगा। ओ, तब तो दोनों ही जरूरी है। और यही तीसरा सिद्धांत है कि जब तक बच्चा पूरी तरह से तैयार नहीं होता तब तक वो किसी भी कौशल को सीख नहीं सकता। जैसे कि आम बच्चे का 5 या 6 वर्ष की आयु तक
छोटी मांसपेशियों का विकास इतना ही हो पाता है कि वो लिखने का कौशल सीख सके। दीदी, अगर वो अपनी उम्र से पहले सीख ले तो? हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका विकास तीव्र गति से होता है, इसलिए वो अपनी उम्र से पहले ही सीख जाते हैं। जी दीदी। तो अब चौथे सिद्धांत की ओर चलते हैं। ये सिद्धांत है कि गत्यात्मक विकास एक निर्धारित प्रणाली में होता है। दीदी, ये प्रणाली क्या होती है? भाई, जैसे हर क्रिया के कुछ क्रम होते हैं ना, उसी तरह गत्यात्मक विकास भी चार क्रमों में होता है। दीदी, वो क्रम बताइए ना। बताती हूँ। पहला क्रम है गत्यात्मक विकास का, सिर से नीचे पैरों की दिशा में होना। अच्छा। यानी सिर के आसपास के भागों में पहले वृद्धि होती है, फिर नीचे। दीदी कैसे? ये समझ में नहीं आया। देखो भाई, सबसे पहले बच्चे का गर्दन पर नियंत्रण होता है ना? फिर बच्चा करवट लेता है, फिर बैठता और चलता है। समझ गई ना? हाँ। यानी कि वृद्धि ऊपर सिर से नीचे की ओर होती है। हाँ दीदी। अब दूसरे क्रम की बारी है। हाँ, दूसरा क्रम है वृद्धि शरीर के बीच वाले भागों से बाहर वाले भागों की दिशा में होती है। हाँ। जैसे धड़ के भागों से वृद्धि पहले होती है, फिर हाथों की ओर, और हाथों से आखिर में उंगलियों की ओर वृद्धि या संतुलन होता है। और उसी तरह से पैरों से किस दिशा में होगा? दीदी, पैरों की उंगलियों की ओर वृद्धि होगी। बिल्कुल सही। अब तीसरा क्रम है, बच्चा पहले सामान्य क्रिया करना सीखता है और उसके बाद ही विशिष्ट क्रिया करता है। जी। अब आप लोग बताएं इसका मतलब। दीदी, मुझे नहीं पता, आप बताओ ना। इसका मतलब है शुरू में बच्चा सामान्य क्रिया कर पाता है, मगर अभ्यास के साथ साथ वो कठिन क्रिया करना सीख जाता है। जी। जैसे जब बच्चा खुद से भोजन करना शुरू करता है तो प्रारंभ में वो दोनों हाथों से रोटी को तोड़ता है। जी। लेकिन अभ्यास करने के पश्चात एक ही हाथ से रोटियां तोड़ लेता है। जैसे दीदी, हमारे आंगनवाड़ी में बच्चे जब आते हैं तो वो रंगों को भरने में निपुण नहीं होते, मगर बाद में वो एक ही चित्र में विभिन्न रंगों को बड़ी सफाई से भर लेते हैं। शाबाश, तुमने तो बहुत अच्छा उदाहरण दिया। अब दीदी आखिरी क्रम भी झट से बता दो। हाँ दीदी। अच्छा तो फिर सुनो, आखिरी क्रम है बच्चा जो छोटी छोटी क्रियाएं करता है ना, वो क्रियाएं धीरे धीरे व्यवहार का रूप ले लेती हैं। जैसे शुरू में बच्चा हाथ पांव मारता है, यदि उंगली उसके पास ले जाओ तो कस कर पकड़ लेता है। पर बाद में धीरे धीरे चीजों को अच्छी तरह से पकड़ना सीख जाता है और बहुत कुछ अपने आप करने लायक हो जाता है। दीदी, आपने तो सारे सिद्धांत बता दिए। भाई बता तो दिए, परंतु आप लोगों को समझ में भी आया? दीदी, आपने समझाया इतना सरल भाव से कि हम सबको समझ आ गया। बिल्कुल। भाई समझ में आ गया तो इसकी जांच भी तो होनी चाहिए ना। हाँ, दीदी। तो ठीक है, मैं कुछ कौशलों के नाम लूंगी। हाँ। आप सबको बताना होगा कि ये कौशल कौन सी मांसपेशियों के हैं। ठीक है ना? हाँ, दीदी। तो पहली क्रिया चलना, बड़ी मांसपेशियों का कौशल। ठीक है, अब बताओ लिखना। दीदी, छोटी मांसपेशियों का कौशल। वाह, ये भी ठीक है। अच्छा अब बताओ तैरना। ये तो बड़ी मांसपेशियों का कौशल है दीदी। बिल्कुल ठीक। अच्छा चित्र काटना। दीदी, छोटी मांसपेशियों का कौशल। बस बस भाई, सब पता चल गया कि आपकी समझ में सब आ गया। अब हम एक खेल खेलते हैं। हाँ दीदी। सब लोग गोल घेरे में खड़ी हो जाए। गोल घेरे में तुम ऐसा सुनिए, मैं खड़ी हो जाती। अब हम दो चुटकी और दो ताली वाला खेल करेंगे। अच्छा। जैसा मैं कर रही हूँ वैसा ही आप सब भी करेंगी। ठीक है। सब एक साथ ताली और चुटकी बजाएंगी। चुटकी पर हर एक को एक बड़ी मांसपेशियों के कौशल का नाम लेना होगा। ठीक है? ठीक है। तो आओ जल्दी से किसी भी मांसपेशियों के कौशल का नाम बताओ। हाँ ठीक है। चलना, दौड़ना, नाचना, बैलेंस करना, गेंद पकड़ना, किक मारना, साइकिल चलाना, तैरना। अब छोटी मांसपेशियों के कौशल। हाँ। माला पिरोना, मिट्टी से खिलौने बनाना,
लिखना, ड्रॉइंग, काटना, चिपकाना, रंग भरना, गांठ बांधना। भाई वाह, बहुत बढ़िया खेला आप लोगों ने। लेकिन ये ध्यान रहे कि ताली, चुटकी और बोलने का आपस में पूरा तालमेल होना चाहिए। हाँ दीदी, अभी तो समय है, क्यों ना थोड़ा खेल लेते हैं। हाँ दीदी, हमें कुछ गत्यात्मक विकास के खेल सिखाओ ना, ये खेल हम अपने बच्चों के साथ खेलेंगे। हाँ दीदी। अच्छा, तो पहले छोटी मांसपेशियों के कुछ क्रियाकलापों की चर्चा करते हैं। अच्छा बताओ, आप एक आंगनवाड़ी देखने गए थे, उसमें कौन कौन सी क्रियाएं देखी थी। दीदी, बच्चे अलग अलग आकृति के चित्रों में रंग भर रहे थे। हाँ बिल्कुल ठीक, जैसे जैसे बच्चे दी गई आकृति के अंदर रंग भरेंगे, उतना ही अपनी हाथ की उंगलियों की मांसपेशियों पर उनका नियंत्रण बढ़ेगा। अच्छा और कौन बताएगा। दीदी, एक कार्डबोर्ड पर मछली की और अलग अलग आकृतियों के छेद बने थे। कुछ बच्चे उन छेदों में सुतली पिरो रहे थे, कुछ बड़े बड़े मोती की माला भी पिरो रहे थे। ये सब भी तो छोटी मांसपेशियों का नियंत्रण बढ़ाती है। बिल्कुल ठीक, और आंख और हाथ के समन्वय पर भी नियंत्रण बढ़ता है। दीदी, जो अलग अलग खिलौने से खेलते हैं, ब्लॉक से घर बनाते हैं या टुकड़े को मोड़कर कुछ बनाते हैं, उससे भी तो हाथों की उंगलियों की मांसपेशियों पर नियंत्रण बढ़ता है। हाँ अच्छा भाई, अब चर्चा तो बहुत हो गई, अब तो खेल की बारी है। हाँ, दीदी, दीदी, दीदी। आज हम सब जानवरों की गति का अनुकरण करने वाला खेल खेलेंगे। जानवरों की गति का? दीदी तो क्या हमें जानवर बनना पड़ेगा? बिल्कुल, जानवर तो बनना ही पड़ेगा, बल्कि उनकी तरह कूदना, दौड़ना और नाचना भी पड़ेगा। अरे वाह, तब तो बड़ा मजा आएगा। वो तो है ही, आप सब जानवरों की तरह चलकर उनकी आवाजें निकालेंगी। हाँ। उनकी तरह दौड़ेंगी, कूदेंगी। हमें कूदना, दौड़ना, नाचना पड़ेगा, है दीदी? हाँ। तो भाई अब खेल शुरू हो रहा है। हाँ। सबसे पहले घोड़े आ रहे हैं। घोड़े के दौड़ने की आवाज कैसी होगी? ऐसे करता दौड़ता है घोड़ा। अच्छा मधु, तैयार हो जाओ, आपको घोड़े की तरह दौड़ना, नाचना और कूदना है। ठीक है ठीक है। अरे भाई जरा जल्दी जल्दी दौड़ो। भाई घोड़े तो वापस चले गए, अब उनके पीछे आ रहे हाथी। हाथी कैसे चलेगा? झूमते हुए, सूंड हिलाते हुए। दीदी हाथी तो मंजू बनेगी। क्यों, मैं मोटी हूँ इसीलिए ना? अरे अरे, तुम क्या बुरा मान गई? प्रिया तो तुमसे मजाक कर रही है। अरे नहीं दीदी, मैं नहीं मानती बुरा, अब तो हाथी की तरह ही दौड़कर और नाच कर दिखाऊंगा। ये हुई ना बात, तो चलो शुरू हो जाओ। हाँ। लो भाई, हाथी के बाद अब आ रहे हैं मेंढक महाराज। कौन बनेगा मेंढक? दीदी मैं। तो जल्दी करो। तो लो भाई, मेंढक महाराज भी चले गए, और अब आ रहे हैं सांप महाराज। प्रिया अब तुमको करना है ये। हाँ। पर दीदी सांप मैं कैसे? हाँ सांप रेंगता है ना जमीन पर, लेट जाओ सांप की तरह रेंगो, ठीक है ना? लो भाई, सांप तो चला गया, अब है खरगोश की बारी, और खरगोश आप सब बनेंगे। ये तो आसान है दीदी, खरगोश तो कूदता है। बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल सही, हम सभी कूदेंगे और दौड़ेंगे। चलो शुरू हो जाओ भाई सब लोग। लो भाई, खरगोश तो दौड़कर झाड़ी में घुस गया, अब तो चिड़िया आ रही है। जल्दी सभी दोनों हाथ फैलाकर पंख बना लो है। और चिड़िया बनकर उड़ जाओ आसमान में। दीदी क्यों भाई, उड़ते उड़ते थक गए ना?
चलो नीचे जाकर मोर की तरह नाचो। चलो खेल बहुत खेल लिया, क्यों ना कोई दूसरा खेल खेले। ठीक है तो हम बिल्ली और चूहे का खेल खेलते हैं। क्या बिल्ली और चूहा? नाम तो बड़ा मजेदार है दीदी। भाई खेल भी बहुत मजेदार है। अच्छा तो जल्दी बताओ। हाँ। आप में से एक बनेगी बिल्ली और दूसरा चूहा और बाकी सारे चूहे के बच्चे। ठीक है दीदी, मैं बिल्ली बनूंगी, मैं चूहा। ठीक है, सारे चूहे के बच्चे एक तरफ हो जाओ, सब एक तरफ हो जाओ, इधर इधर चलो, और चूहा दूसरी तरफ खड़े हो जाओ उधर, और बीच में बिल्ली। दीदी देखो ना ऐसे क्या। ठीक है ठीक है, अब जुबैदा यानी कि चूहा बोलेगा आओ मेरे पास आओ, और चूहे के बच्चे बोलेंगे ना बाबा बिल्ली खा जाएगी। तो चूहा बोलेगा बिल्ली से छुपकर मेरे पास आओ। उसके बाद चूहे का बच्चा दौड़कर चूहे के पास आ जाएगा, परंतु रास्ते में बिल्ली उसे पकड़ने की कोशिश करेगी। अगर पकड़े गए तो बिल्ली बनना पड़ेगा, और पहली वाली बिल्ली चूहे का बच्चा बनेगी। ठीक है ठीक है दीदी, खेल समझ में आ गया। आगे खेल शुरू करते हैं। बिल्कुल, देर किस बात की है, चलो शुरू करो। ठीक है, आओ मेरे पास आओ ना बाबा ना बिल्ली खा जाएगी, बिल्ली से छुप कर मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। अरे प्रिया तुमको तो बिल्ली ने पकड़ लिया, अब तुम बन गई बिल्ली। अब ये खेल समझ में आ गया ना पूरी तरह। जी 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 जी। दीदी अब दूसरा खेल बताओ ना। अच्छा ये खेल तो भाई खुली जगह में खेलते हैं। आप सब लोग दो भागों में बट जाओ। ठीक है, और दो पंक्तियां बना लो। ठीक है ठीक है। अरे आओ भाई पंक्ति बनाओ। चलो हाँ, ये पंक्तियां बन गई ना। जी अच्छा, दोनों पंक्ति के पहले वाले व्यक्ति के हाथ में बीजों की थैली होगी, और दोनों दौड़ेंगे, दीवार छूकर वापस आकर अपने पीछे वाले को थैली पकड़ा देंगे। अच्छा, और इसी तरह जिस पंक्ति का वो आखिरी व्यक्ति दौड़ के पहले दौड़ खत्म करेगा वही टीम विजयी समझी जाएगी। समझ गए ना। तो दीदी हम लोग दो पंक्ति में बैठ जाएं? हाँ बिल्कुल, आओ खड़े हो जाओ। हाँ खड़े हो जाओ, ऐसे ऐसे सीधी सीधी लाइन, सीधी लाइन बनाओ, दो पंक्ति में बना। ठीक है दीदी, मैं इस पंक्ति में पहले नंबर में हूँ तो मैं थैली लूंगी ना। हाँ, और उस पंक्ति में प्रिया तुम। हाँ दीदी, सबसे आगे हो ना। हाँ दीदी, इसलिए तुम भी थैली लो। चलो अब दौड़ शुरू करो। हाँ चलो चलो चलो, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, चलो 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 चलो। भाई वाह, मुबारक हो, प्रिया की टीम जीत गई, जोर से तालियां हो जाए। अच्छा भाई एक और मजेदार खेल भी है जो आप अपने बच्चों को सिखा सकती हैं। अच्छा, और खेल का नाम है सिंगली पिंगली। सिंगली पिंगली दीदी, सिंगली पिंगली नाम भी मजेदार है। बिल्कुल, इसके लिए आप पहले बच्चों को गोल दायरे में खड़ा करें। अच्छा, फिर एक बच्चे को गोल दायरे के अंदर खड़ा करें, वो बनेगा बकरी। अच्छा, हाँ? और दूसरे एक बच्चे को गोल दायरे के बाहर खड़ा करें, और वो बनेगा शेर। शेर, ठीक है। तो क्या दीदी इस खेल में शेर बकरी को खाने की कोशिश करेगा? हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, सब बच्चे गोले में एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ कर चलेंगे, और वो शेर बना बच्चा बकरी को खाने के लिए दोनों हाथों से गोले में खड़े बच्चे के कस के पकड़े हाथों पर वार करेगा। अच्छा दीदी, अब हम समझे, यानी बकरी को खाने के लिए शेर दरवाजा तोड़ेगा। दीदी इसमें क्या कोई बोल है? हाँ, खेल को मजेदार बनाने के लिए बोल है। शेर वार करते समय बोलेगा सिंगली पिंगली दरवाजा खोलो, और गोल दायरे में खड़े बच्चे कहेंगे नहीं खोलेंगे नहीं खोलेंगे। अगर दीदी शेर ने दरवाजा तोड़ दिया तो? हाँ दीदी, तब वो बकरी को खा जाएगा। फिर आप दूसरे दो बच्चों को लेकर शेर और बकरी बनाएंगे, और इसी तरह खेल चलता रहेगा। समझ गए ना? हाँ, समझ गए दीदी। अच्छा भाई आज की क्लास तो अब यही समाप्त होती है। हाँ? हाँ. तो नमस्ते। नमस्ते दीदी, नमस्ते।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गत्यात्मक विकास और उसके क्रियाकलाप। आलेख शोभा लक्ष्मी साहू, विषय संयोजन कांता सेठ, विषय विशेषज्ञ डॉक्टर मीरा चौधरी, परियोजना संचालन प्रोफेसर विनीता कौल, कलाकार सविता बजाज, मंजू मैनी, सुनीति कोहली, गीता वर्मा एवं सुषमा कौशिक, ध्वनिंकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी, ध्वनि कार्यक्रम निर्देशन प्रभु दयाल खट्टर तथा निर्माण केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान NCERT नई दिल्ली।